जब हम लीक से हटकर कुछ काम करते हैं तभी हमें दुनिया में पहचान मिलती है और दुनिया हमें सलाम करती है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में शुमार हंसल मेहता जी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हंसल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है रायपुर में। कैसा लगा आपको रायपुर, और जो आप जिफ्लिफ मैच शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं ये पहली बार आया हूँ रायपुर, और अभी तक तो सफ़र एयरपोर्ट से ऑडिटोरियम तक का रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं थोड़ा सा रायपुर और घूमूंगा, थोड़ा देखूंगा। और जिफ्लिफ एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पिछले साल गया था मैं भोपाल जी। और मुझे मतलब वो एक जनरल उनका जो एक एटीट्यूड है कल्चर के तरफ, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने उनको कहा था कि भाई आपसे जब भी आप मुझे जोड़ना चाहो मैं खुशी से जुड़ूंगा। सर, आप एक कहा जा सकता है कि आप एक एग्जांपल हैं कि पैलर सिनेमा जो है और सिटी लाइट्स की जो स्क्रीनिंग है वो भी बेहद खास है। वो मूवी की जो शहर की चमचमाती जो एक शहर होता है उसके पीछे की काली जो दुनिया है वो दिखाने की कोशिश करती है सिटी लाइट्स। हाँ, वो सिटी लाइट्स एक्चुअली एक लव स्टोरी है, एक लव स्टोरी है उन लोगों की जिन पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो हमारे शहर का अटूट हिस्सा है जी। लेकिन हम सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देते हैं जिनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ होती है, जिनके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, और हम सिर्फ उनकी कहानियाँ कहते हैं। मतलब उनकी कहानी आप दिखाने की कोशिश करते हैं जिनका मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, जिनको मतलब एक डाइसेक्ट माना जाता है उनको, उनकी अदृश्य होते हैं। ये जो एक अदृश्य पॉपुलेशन है हमारे शहरों में, और जो मतलब बहुत बड़ा पॉपुलेशन है माइग्रेंट्स, जो हमारे शहरों को एक्चुअली दरअसल चलाते हैं, अब उनकी कहानी है ये, उनकी एक लव स्टोरी है, एक पति पत्नी की, एक परिवार की लव स्टोरी है, एक ट्रेजेडी है, और मतलब ये फिल्म दिल के बहुत करीब है मेरे। सर, आपकी ज़्यादातर मूवीज़ ही ऐसी रही, हम सिटी लाइट्स की बात करें, शाहिद की बात करें जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था, उमारता की बात करें, मतलब एक आप एक डिफरेंट लीग फॉलो करते हैं, और जो उसमें जो स्टार्स भी आप लेते हैं वो सुपरस्टार नहीं होते हैं, वो रियल एक्टर्स होते हैं, तो सर इसके पीछे क्या सोच? एक सोच कुछ नहीं है भाई, ऑथेंटिक होकर मैं कहानी कहने की कोशिश करता हूँ, और मेरी कोशिश एक ही रहती है कि भाई अपनी कहानियों को ईमानदारी से मैं कहूँ, और बाज़ार के जो प्रेशर्स है उससे दूर हट के मैं इन कहानियों को कहूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई पैरेलल सिनेमा है या कि मैं अलग काम कर रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मेरा दिल कहता है। अब जो मूवीज आ रही हैं वो स्मॉल बजट रहती हैं, बट उनकी स्टोरीज काफ़ी अच्छी रहती है, स्ट्राइकिंग रहती है। क्या आप कह सकते हैं कि अब ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि शाहरुख सलमान आमिर की मूवीज़ आती है वो पिट जा रही हैं, लेकिन स्मॉल बजट्स की जो स्टोरी अब कह सकते हैं कि किंग है? हाँ, मतलब ये अच्छा एक दौर शुरू हुआ है जिसमें कहानियों को ऑडियंस नई नई कहानियाँ ढूंढ रही है, जो मनोरंजन है उसमें वो नई कहानियाँ, नए कैरेक्टर्स और मतलब देश के इंटीरियर्स की कहानियाँ ढूंढ रही है, तो वो मतलब अपने आप में बहुत ही एंकरेजिंग साइन है। एक तबका है जो पूरा वेब सीरीज को ही डेडिकेटेड है, नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेजन आ गया है, तो आप इसको एक कॉम्पिटिशन मानते हैं? कॉम्पिटिशन नहीं है ये, मतलब हमारे लिए एक नया रास्ता खुला है कि अगर बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती है जो मतलब दो घंटे में आप सीमित नहीं कर सकते हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका सफ़र, जिनकी जर्नी बहुत लंबी होती है, तो वो लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग जो है वो हम इस माध्यम के ज़रिए, वेब के माध्यम के ज़रिए हम कह पा रहे हैं। सर, कॉम्प्रोमाइज़ की बात आई है, तो मतलब अभी जो मी टू काफ़ी चला है वो, उसमें यही कहा गया कि बॉलीवुड का जो एक सेक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ही बोलता है, और उसमें भी आपने भी आवाज़ उठाई थी कि बिल्कुल गलत है, आपका इंटरव्यू मैंने देखा था, आपकी बाइट्स देखी है, तो आपको लगता है कि मतलब अब आवाज़ उठने लगी है, पहले वो आवाज़ें दबा दी जाती थी या फिर उसको भी एक नेगेटिव, उसका भी कुछ असर पड़ सकता है? मैं मानता हूँ कि वो मी टू मूवमेंट भी उस इक्वालिटी, एक जो एक इक्विलिब्रियम लाने की जो कोशिश है उसका एक हिस्सा था, कि लोगों को जागरूक करने, लोगों को पनिश करने या लोगों को बदनाम करने का कोई मूवमेंट नहीं था। ये एक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी था कि भाई एक वर्क प्लेस पे आदमी अपनी काबिलियत से पहुंचता है, ना कि उसके जेंडर की वजह से, और जेंडर फीमेल होने की वजह से उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके वो वहाँ पहुँची है, वो मतलब जो धारणा है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, और उसमें कहीं ना कहीं मीटू मूवमेंट ने बहुत सहायता की है।
हंसल सर, हमारे दर्शकों को अगर नहीं पता हो तो बता दें कि खाना खजाना एक सीरियल आता था, उससे आपने शुरुआत की थी एपिसोड्स की 1993 में, और 2013 में आपको शाहिद के लिए मतलब रिकग्नाइजेशन की पता चला कि हाँ इस फिल्म के डायरेक्टर हैं ये, उसके बाद आपको और पहचान मिली। तो एक ये 20 साल लग गए सर इसके लिए, और अब तो खैर आप हर सबको ही पता है कि हंसल सर क्या है, तो सर इसको इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप, 20 साल का समय लगा? मैंने उसमें उस दौरान बहुत सारी फिल्में बनाई, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और बस मैं तो मतलब एक वो स्टूडेंट हूँ, सीखते सीखते मतलब मैंने फिल्में बनाई है, तो वो अपने आप में जो क्या है, सफलता और असफलता दोनों, असफलता आपका सबसे बड़ा गुरु होता है, वही सिखाता है आपको, जब ठोकर पड़ती है तब आपको सीख मिलती है, सफलता में तो आदमी खुशी के मारे कभी कभी अंधा हो जाता है। सर नो डाउट आपके बहुत से ही फैंस हैं, फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी, क्योंकि आप जिस टाइप के जोन के डायरेक्टर हैं एक अलग ही वर्ग होता है उनका, तो सर लेकिन आपके कौन आइडियल है जिनको देखकर के आपको लगता है कि हाँ, जैसे मुझे ही लगता है कुछ कुछ मैं देखती हूँ जिनको कि मुझे इनकी तरह बनना है, इनसे इंस्पायर हो, आपके लिए कौन होंगे वो? बहुत सारे हैं फिल्म मेकर्स भाई, हर मोड पर ऐसे लोग मिले हैं कि जिनकी तरह मैं बनना, मैं अपने आप को मतलब एक इंसानियत के तौर पर मैं, मेरे पास आइडियल्स वो है जिनसे मैंने इंसानियत सीखी है, जिनसे मतलब दुनिया देखना सीखा है, और अगर मैं उनकी तरह इंसान बन सकता हूँ तो मतलब मैं कुछ मैंने हासिल किया हो। फिल्म मेकर्स तो बहुत होते हैं, हर साल आप किसी की फिल्म देखते हो तो आप इंस्पायर होते हो, तो वो इंस्पिरेशन तो मतलब कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हाँ मतलब अगर मैं गुलजार साहब की तरह उनके जैसा इंसान बन सकता हूँ तो शायद मैं सोचूंगा कि मैं ज़िंदगी में सफल हुआ हूँ। सर राजकुमार राव के साथ आपने बहुत सी मूवीज़ की है, तो सर उनसे कैसा कनेक्शन है कि आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो एक परफेक्शन को हिट ज़रूर करता है? राजकुमार न सिर्फ मेरी फिल्मों का हिस्सा है लेकिन मेरी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है, हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं, तो वो आज मेरी जो फिल्में हैं वो राजकुमार की वजह से हैं, और आज जो जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, जिस तरह की मैं फिल्में बना रहा हूँ उसमें मतलब राजकुमार का बहुत बड़ा हाथ है, तो बस वही है, राजकुमार के साथ एक रिश्ता है जो मतलब फिल्मों से कहीं ज़्यादा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं और रायपुर में भी बहुत से हैं जो आपको चाहते हैं कि मतलब वो आपकी तरह कुछ नाम बनाए, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ वो लोग अचीव कर सकते हैं अपना गोल जो इस डायरेक्शन में आना चाहते हैं? जो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई बहुत पढ़िए, बहुत लिखिए, मतलब क्या है, हम आज कहानी कहना फिल्म बनाना बहुत आसान है, वो मोबाइल फ़ोन से भी बन सकती है, लेकिन हमारे पास कहानियाँ कम हो गई है क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है, लोग YouTube पर कहानियाँ ढूंढते हैं, Facebook पर कहानियाँ ढूंढते हैं, तो वहाँ कहानियाँ नहीं मिलेगी, आप लिटरेचर पढ़िए, आप थोड़ा लिखिए, तो वो जो एक डिसिप्लिन है वो ज़रूरी है, कहानियों को ढूंढना, अगर आपके पास कहानी है तो आप फिल्म बना पाओगे। थैंक यू सो मच सर, तो अगर आपके पास अगर कहानी है पढ़िए, जितना हो सकते हैं आप उतना पढ़िए, और लिटरेचर पढ़िए, साहित्य पढ़िए, और आप जब पढ़ेंगे तो आप फिर डायरेक्शन में उतर सकते हैं और शायद आप भी हंसल सर जैसा मुकाम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हंसल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हंसल सर, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आकांक्षा पांडे, IBC24।